आपको प्रेजेंट किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग हो गया था इस चैप्टर के अंदर। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी बात करते हैं अब इस वीडियो में। तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि गोलू वहाँ पे बैठ जाता है अपनी नाक को लेकर के, जिसको खींच करके लंबा कर दिया गया है, 5 फीट लॉन्ग उस लेंथ हो जाती है, उसको लेकर के वहाँ बैठ जाता है और उसको कूल होने का वेट कर रहा है या श्रिंक होने का वेट कर रहा है। गोलू सेट देयर फॉर 2 डेज वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। तो गोलू वहाँ पे बैठ जाता है और 2 दिन तक बैठा रहता है ना, इंतज़ार कर रहा है कि उसकी नाक कूल हो जाए, श्रिंक हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। तो वो कूल तो हो जाती है लेकिन श्रिंक नहीं होती है, सिकुड़न नहीं आती उसके अंदर, ठंडी तो हो जाती है लेकिन छोटी नहीं होती। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरा दिन समाप्त हुआ, 2 दिन तक वो बैठा रहा, ए फ्लाई कैम एंड स्ट्रंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक मक्खी आती है और आकर के उसको काट लेती है शोल्डर पे। गोलू लिफ्टेड इज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। तो गोलू जो है अपनी जो लंबी नाक है, बड़ी हुई नाक है, जिसको अब ट्रंक बोला जा रहा है, उसको उठाता है और उस मक्खी को मार देता है, डेड कर देता है। एडवांटेज नंबर 1, ही इज द पाइथन। अजगर कहता है देखिए तुम्हारा ये फायदा नंबर 1 है, पहला एडवांटेज है तुम्हारी लंबी नाक होने का। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी छोटी नाक होती तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना, यानी इस मक्खी को नहीं मार सकते थे जो तुम्हें परेशान कर रही है। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, ठीक है कुछ खाइए अब आप। गोलू पुट आउट इज ट्रंक एंड प्लग द लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू जो है अपनी सूंड को फैलाता है और एक बंडल ग्रास के बंडल को प्लग करता है या ग्रास तोड़ता है। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, अपने पैरों में रखता है एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने पेट में डाल लेता है, अपने मुंह में डाल लेता है ना, खा लेता है घास को। किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से, अपनी लॉन्ग नोज यानी ट्रंक की सहायता से। एडवांटेज नंबर 2, वो कहता है देखो ये फायदा नंबर 2 है, एडवांटेज नंबर 2 है, इज द पाइथन। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। अगर छोटी नाक होती तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। फिर कहता है वो द्वारा, क्या तुम्हें नहीं लगता आज बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, या बहुत तेज़ धूप है, हॉट है सन बहुत ज़्यादा। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, है ना। जब उसको गर्मी लगती है गोलू को, तो वो क्या करता है, अपनी सूंड में मड भर लेता है, कीचड़ भर लेता है, हम कह सकते हैं पानी भर लेता है, और अपने हेड पर डाल लेता है, स्लैप कर लेता है। एडवांटेज नंबर 3, और ये एडवांटेज नंबर कौन सा हो गया, 3, ही इज द पाइथन। किसने कहा पाइथन, पाइथन उसको फायदे गिनाता जा रहा है। यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी छोटी नाक होती तो तुम ऐसा नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। गोलू ग्रेटफुल है पाइथन के लिए जिसने उसकी हेल्प की है, है ना, उसको धन्यवाद देता है। और क्या बोलता है, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगा और जो आपने फ़ायदे गिनाए उन फ़ायदों को हासिल करता रहूँगा ऐसे ही, और मैं अब मेरी फैमिली की ओर जा रहा हूँ। तो इसको जो, इसके जो राइटर है वो है रुडयार्ड किपलिंग। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।